नमस्कार। भारत और संविधान के दूसरे भाग में मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें देश विभाजन की ओर आगे बढ़ने लगा था। मांग एक अलग राष्ट्र की थी जो पाकिस्तान के रूप में सामने आई, लेकिन यह पाकिस्तान की मांग आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो साल था 1933 का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र थे, नाम था चौधरी रहमत अली। उनके द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया गया। चौधरी रहमत अली के द्वारा एक पम्पलेट यानी एक दस्तावेज जारी किया गया जिसका नाम था नाउ और नेवर पेरिस ऑफ रिवर। उन्होंने पाकिस्तान नाम के समाचार पत्र और पत्रिका भी चलाई थी, लेकिन एक अलग राष्ट्र की मांग इससे पहले भी उठ चुकी थी। सन 1933 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक अलग राष्ट्र की बात कही गई थी, इसलिए मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। एक दिन आता है 23 मार्च 1940 जब मुस्लिम लीग का लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उसी अधिवेशन में संप्रभुता, स्वतंत्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है और इसका प्रस्ताव हयात खान द्वारा बनाया जाता है। यही वह दिन था जो आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च। तो इस तरह पाकिस्तान की मांग सामने आई। इधर कैबिनेट मिशन वापस लौट चुका था और उसने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाएंगी, यानी 10 लाख की आबादी में एक सीट, जिन्हें हिंदू, मुसलमान और सिखों में बांटा जाएगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग कुछ ऐतराज़ और शर्तों के साथ संविधान सभा में शामिल हो गई। शर्त क्या थी? शर्त थी कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस के बराबर ही हो और कांग्रेस में कोई मुसलमान ना हो। कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने इसके लिए हामी भर दी, लेकिन इसकी जानकारी गांधी जी को नहीं थी। जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। वह यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से जिन्ना के सांप्रदायिक जाल में फंसे। अंततः अंतरिम सरकार बनी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अल्पसंख्यक के मंत्री बने। देखने में कांग्रेस, मुस्लिम लीग के मंत्री बराबर ही थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी था क्योंकि अल्पसंख्यक के अनुसूचित जाति के जगजीवन राम कांग्रेस के ही थे। संविधान बनाने की तरफ कदम बढ़ने लगे तो जिन्ना ने किनारा कर लिया, क्योंकि जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस के सामने उनकी राजनीतिक हैसियत शून्य रह जाएगी। और अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे जिन्ना ने मुसलमानों को डायरेक्ट एक्शन का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच 16 अगस्त 1946 को भारत के इतिहास का एक काला दिन हुआ। सांप्रदायिक दंगों की मांग सबसे ज़्यादा बंगाल में लगी। कोलकाता में तो हथियार बंदों का एक खूनी नाच हुआ। वहां के तात्कालिक मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दे दी, जिसका नतीजा हुआ कि इतने कम समय में 4000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अब जिन्ना की महत्वाकांक्षी भारत के मुकम्मल आज़ादी में भारी पड़ने लगी थी। अंतरिम सरकार ने नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया और कुछ संघर्ष के बाद मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया जाता है। लेकिन जिन्ना सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें नेहरू के बराबर का पद मंजूर ही नहीं था। इधर गांधी जी बंटवारे के नाम से बेचैन हो उठते थे। उन्होंने कह दिया कि सरकार चाहे कांग्रेस की बने या मुस्लिम लीग की, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वायस राय वेवल ने नेहरू को लंदन बुलाया। 1 दिसंबर 1946 को नेहरू और में उनकी मुलाकात होती है, जहां उनकी मुलाकात जिन्ना से भी होती है, लेकिन तब तक मतभेद मनभेद तक आ चुके थे। नेहरू तो इतना चढ़ गए कि उन्होंने अपने खुद का संविधान बनाने का ऐलान कर दिया और इधर दिल्ली में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिन्ना नहीं गए, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें एक व्यक्ति की नामौजूदगी सबको खल रही थी और वो थे महात्मा गांधी। सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। इधर जिन्ना यदि कौम की ताकत में उछल रहे थे तो उनको एक ताकत इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विस्टर चर्चिल से भी मिल रही थी। 11 दिसंबर को इन दोनों की इंग्लैंड में एक गुप्त मुलाकात होती है। पाकिस्तान की मांग को लेकर जो उन्होंने वादा किया था वो निभाने की बात उन्होंने कही और भारत में मुस्लिम लीग के बगैर संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हो गई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि एक विद्वान बैरिस्टर की ही नहीं, एक निरपेक्ष अंपायर की भी थी। उनकी अध्यक्षता में एक ऐसे संविधान सभा बैठी जिसमें जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं था। संविधान का लक्ष्य पेश करते हुए नेहरू जी लोकतंत्र की रूपरेखा रखते हैं। उसी में राजे रजवाड़े डर गए। उनको लगने लगा कि अगर अंग्रेज चले गए तो उनका क्या होगा। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने माउंट बेटन को भारत का नया वायसराय घोषित किया। माउंट बेटन ने भारत में उनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे तो कांग्रेसी भी इसमें एक राय नहीं थे। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत ने बंटवारे का समर्थन किया, लेकिन मौलाना आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका विरोध किया। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात से तय हो गया कि विभाजन तो अब होकर रहेगा और गांधी जी को अब लगने लगा कि उनकी बात अब कोई नहीं सुन रहा है, पर वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसलिए जब अंतरिम सरकार बनी तो 14 मंत्रियों की बनाने की बात आई तो वो एक नाम को लेकर सबसे ज़्यादा सचेत थे और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। नमस्कार।